संदर्भ पचपनवा। मैं कौन हूं और मेरी स्थिति क्या है? धर्म के क्षेत्र में प्रायः लोग यह प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, परमात्मा कौन है, कैसा है। लोग ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, मेरी स्थिति कहाँ होगी। पहले स्वयं को जानना होगा। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जान सकता वह परमात्मा को कभी समझ नहीं सकता है। धर्म और अध्यात्म के केंद्र में परमात्मा नहीं है किंतु आत्मा है, स्वयं है, जीव है और उसको लोग जानना नहीं चाहते, जानने के लिए प्रयास नहीं करते। इसीलिए उदास और निराश बने जिंदगी भर भटकते रह जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं कौन हूं और बिरले लोग होते हैं जो इस प्रश्न पर विचार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। आदमी बहुत कुछ को जानना चाहता है, बहुत कुछ क्या, सब कुछ को जानना चाहता है। ये इच्छा गलत नहीं है, जितना ज्यादा हो सके आदमी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि सब कुछ को जानने वाला कौन है, वह कौन है जो सब कुछ को जानना चाहता है, किसके लिए जानना चाहता है, क्यों जानना चाहता है। दुर्भाग्य यह है कि आदमी दुनिया में सब कुछ को जानना चाहता है लेकिन अपने को से अनजान बना रह जाता है, अपने को जानने का प्रयास नहीं करता है। स्वर्ग नरक को जानना चाहता है, स्वर्ग नरक में क्या सुख है क्या दुख है जानना चाहता है, स्वर्ग नरक कैसे मिलेगा यह जानना चाहता है। लेकिन मेरी अपनी दशा वर्तमान में क्या है, मेरी अपनी स्थिति कहाँ होगी, इस प्रश्न पर लोग विचार नहीं करते। कोई बिरला होता है जो इस पर विचार करता है। सदगुरु कबीर कहते हैं पहले स्वयं को जानो और स्वयं को जानकर
अपने आप को उन दुखों से छुड़ा लो, बचा लो, जिन दुखों में सारा संसार पीड़ित है। ऐ जीरा तैं अपने दुख ही संहार, जिह दुख व्यापी रहा संसार। कितनी करुणा से साहब यहां कहते हैं कि ऐ जीवो, ऐ लोगों, जो दुख पूरे संसार में व्याप्त है उस दुख से तुम अपने आप को छुड़ा लो, बचा लो। कौन दुख है? मानसिक दुख, मन का क्लेश। और क्यों? अपने आप का सही बोध न होने के कारण। साहब कहते हैं अपने को जानो। उन्होंने कहा बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। साहब कहते हैं ए बंदे, तू अपने आप को छुटकारा कर। सदैव यह समझना होगा कि आदमी अपने आप से नहीं बंधता, अपने से अलग कुछ है जो हमारे बंधन और दुख का कारण है। स्वयं को समझना होगा और जो हमारे बंधन और दुख का कारण है उसको भी समझना होगा। और वह आज ही हो सकता है, कल नहीं। आप जियत लख साहब कहते हैं जीते जी इस शरीर में रहते रहते अपने को पहचानो, बंधन को पहचानो और आप ठहर करो, अपनी जगह बनाओ, अपनी स्थिति बनाओ। अरे समझो कि मरने के बाद तुम्हारी दशा, तुम्हारी स्थिति कहां होगी, कहां तुम्हें जाना होगा। यदि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज विचार नहीं किए, इन प्रश्नों का समाधान नहीं किए, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यदि असावधान नहीं हुए, इन प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं ढूंढ पाए, अपने आप को दुखों से छुड़ा नहीं पाए, तो समझो कि अंतिम में तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। क्योंकि आगे कठिन काल को घेरा, काल का जो घेरा है बहुत कठिन है। काल अज्ञान, मोह, माया, आसक्ति, यही तो काल है। हमारे मन का अज्ञान, हमारे मन की कल्पना ही काल है, जो एक ऐसा काल हमें भटका रहा। काल से सब डर रहे हैं, लेकिन काल क्या है जिससे हम बच सकते हैं? मौत से तो कोई बच सकता नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। मौत क्या करेगी? शरीर और जीव का वियोग, इससे अधिक और क्या करेगी मौत? मौत काल नहीं है, काल है मन का ज्ञान, मन की कल्पना। काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सब लोग काल काल भैया, काल बहुत प्रबल है, काल बहुत प्रबल है, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन काल क्या है? कोई इसे परखता नहीं है। जेती मन की कल्पना, जितने तुम्हारे मन में जो कल्पनाएं हैं, विषयाशक्ति है, यही काल है।
और इस काल से हम कहां बचेंगे जाकर के? इस काल को जो चिन्ह लिया त्याग कर दे बस हो गया। तो सदगुरु का निर्देश है कि अपने को समझो और समझ करके अपनी स्थिति बनाओ, उसके लिए आज का अवसर है। आज सावधान नहीं हुए तो कल तो पतन के रास्ते में जाना है। केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, इस चेद वेदी दस्त मस्त ना चेदी हावी दिन महती विनष्ट। आज चेत गए तो कल्याण, नाचेदी हावेदी महती विनष्ट। यदि आज सावधान नहीं हुए तो कल महाविनाश। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा जी कहते हैं, जो धीरा है, धीरा विवेकी सही ज्ञानी, धीर धैर्यवान को कहा जाता है, जो जल्दी घबराता नहीं है, शांत रहता है। लेकिन संस्कृत में धीरा का अर्थ विवेकी सही ज्ञानी। तो भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, विवेकी आत्मज्ञानी उस परम तत्व को भूतेषु भूत प्रत्येक प्राणी में देखता है, अलग नहीं देखता। जो प्रत्येक प्राणी में उस आत्म तत्व को देखता है, परमात्म तत्व को देखता है, वह इस शरीर छूटने के पश्चात अमृता भवन अमर हो जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो आज सावधान करना होगा, कल नहीं। साहब ने भी कहा है, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, ऐसा तू क्या कह रहा है? कल तो काल के हाथ में है। काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। साहब का कहने का तरीका भी इतना बढ़िया है। तो आज हमें सावधान होना है, ये हमें समझना होगा कि हमारा जो मौलिक स्वरूप है, इस शरीर से और जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक है। लेकिन हम इसको भूल गए। पीछे प्रसंग में देख ही आए हैं कि जैसे कुत्ता, सिंह, हाथी, ये सब अपने आप को भूलकर अपने प्रतिबिंब, अपनी मानसिक कल्पना में उलझ उलझ करके मर गए। जब तक हमारा स्वत्व, हमारा अपनापन इस शरीर में निहित रहेगा, तब तक ना हम भटकने से बच सकते हैं और ना हम दुखों से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। शरीर बना है लेकिन शरीर हमारा अपना स्वरूप थोड़े हैं। शरीर तो बना, बिगड़ेगा। हमारी असलियत क्या है, इस चीज को देखना पड़ेगा। साहब कहते हैं, इसलिए आप जियत लखो आप ठहर करो, अपने जीते जी अपनी स्थिति बनाओ। परम लाभ आत्मलाभ है। आत्मलाभान परम विद्यते, आत्मलाभ ही परम लाभ है। जिसने अपने आप को पा लिया, अब उसे और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह गई। इस प्रसंग में और अधिक विस्तार से तीसरे अध्याय में चर्चा है।
यहाँ पर थोड़ी चर्चा है, विस्तार से चर्चा तीसरे अध्याय में है। संदर्भ 56, पुनर्जन्म और कर्मफल भोग। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, दो दृष्टि है। कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है। प्रश्न यह है कि कबीर साहब ने पुनर्जन्म माना है या नहीं माना है। कुछ विचारक कहते हैं कि कबीर साहब पुनर्जन्म नहीं मानते, लेकिन देखो पूरी बीजक में क्या अन्य कबीर वाणी में भी कर्म पुनर्जन्म के संदर्भ में अनेक जगह साहब ने कहा है। हमारा ये जीवन एकाएक खड़ा नहीं हो गया है, एक श्रृंखला है, कारण कार्य की व्यवस्था है। कोई चीज एकाएक बनेगी कैसे? एक श्रृंखला होती है, व्यवस्था होती है। और जो कुछ हम कर्म करते हैं वो आज समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष कर्म तो समाप्त हो गया स्थूल, लेकिन संस्कार, संस्कार कहां समाप्त हुआ? और संस्कारों का फल भोग भोगना ही पड़ेगा। हम ना माने वो बात अलग, लेकिन कबीर साहब इन बातों को मानते हैं। बहुत से विचारक ये कहते हैं कि तथागत बुद्ध पुनर्जन्म नहीं मानते। उनको ये कहना चाहिए कि हम नहीं मानते, बुद्ध ने तो माना है भाई, लेकिन हमारा मन नहीं कहता है, हमें स्वीकार नहीं होता, इसलिए हम नहीं मानते। धम्मपदम देखो और उसको देखो, अरे जातक कथा 542 या 547 कथाएं हैं और सब में बुद्ध के पुनर्जन्म की ही बात है। बुद्ध कहते हैं पहले मैं अमुक जन्म ये था, अमुक जन्म में ये था, अमुक जन्म में ये था, बुद्ध के मुख से कहलवाया जा रहा है। कहते हैं कि एक कोई कहानी कही जाती है, कहानी के बाद में एक सार निकाला जाता है कि कहानी का सार यह है। फिर बुद्ध कहते हैं अमुक जन्म में मैं ये था, यशोधरा ये थी, राहुल ये था, सारिपुत्र ये था। पूरी जातक कथा का मूल है पुनर्जन्म। बोधिसत्व, बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? बोधि, बोध, ज्ञान, तत्व, सत्य, सत्व प्राणी, वह प्राणी जो बोधि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो। तो बोधसत्व की बात जन्म धर्मांतर तक चलती है। तो धम्मपदम में देखो जगह जगह पुनर्जन्म की बात है। उसी धम्मपदम में ही तथागत बुद्ध ने कहा है भिक्षुओं, इस अनादिकाल की दुनिया में प्री के वियोग, अप्री के संयोग, धन हानि, अपमान, शारीरिक रोग व्याधि, इन सबसे पीड़ित होकर
तुमने जो आंसू बहाया है, यदि उन आंसुओं को इकट्ठा किया गया होता तो सातों समुद्र के पानी से ज्यादा हो गया होता। तो अनाधिकार से मत है, तो कौन है वो? पुनर्जन्म की बात तो साफ है ना, हम नहीं मानते, साफ कहना चाहिए भी, हम नहीं मानते। ये बुद्ध के अर्विचारक मानते हैं, हम बुद्ध के इस विचार को नहीं मानते, ईमानदार से कहने में क्या हर्ज है। लेकिन बुद्ध नहीं मानते, इसके लिए इतना छल प्रपंच करना। ऐसे कबीर साहब खुल करके मानते हैं पुनर्जन्म कर्म फल भोग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मानते हैं, तो उनकी मर्जी। तो यह संदर्भ है पुनर्जन्म और कर्म फल भोग। चतुर कबीर पुनर्जन्म और कर्म फल भोग को प्रबलता से स्वीकार करते हैं। अब ये कहते हैं कि कर्म संस्कारों का एक ऐसा हिंडोला है जिस पर इस जीव बैठ करके अनादिकाल से झूलते आ रहा है। हिंडोला एक दो तीन, हिंडोला प्रकरण में तीन हिंडोला साहब ने कहा है, और साहब ने कहा कि कर्म की पटरी बैठ के को ना झूले यार, कर्म का हिंडोला, इस कर्म हंडर हमें पढ़ करके कर्म पटरी बैठकर कौन कौन नहीं झूल रहा है। साहब ने कहा अमुक झूले अमुक झूले, साहब ने कहता है अंतिम का कौन नहीं, सब तो झूल रहे हैं। साहब कहते हैं ये कर्मों का हिंडोला बहुत विचित्र, इसमें पाप और पुण्य के खंभे हैं, लोभ और मोह, माया का मेरु, लोभ का भंवरा, विषय का मरुआ, काम का किला, सुबह सुबह की डांडी, कर्म की पटरी है, सब झूल रहे हैं इस पर। और साहब कहते हैं कभू ऊंचे कभू नीचे, स्वर्ग भूत ले जाए, अति भ्रमित भरम हिंडोलवा ने को नहीं ठहराए। यह भ्रम का हिंडोला जी को कभी ऊंची योनि में ले जाता है, कभी नीची योनि में, कभी स्वर्ग में, कभी पाताल में, और नेकु नहीं ठहराए, जरा भी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और जीव अज्ञानवश वासनावश अनेक प्रकार शरीर धारण कर करके पश्चाताप में पड़ा हुआ है। साहब ने भी कहा यदि आज यदि तुम आत्मकल्याण का काम नहीं किए तो फिर तुम्हें हाथी घोड़ा खानियों में जा करके बताना पड़ेगा, मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। प्रबलता से स्वीकार कर रहे हैं साहब यहाँ पर पुनर्जन्म और कर्म फल की बात भी कहते हैं, अपने जो किए हुए कर्म हैं उनको भोगना पड़ेगा। आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म लिखा मिटे थो कैसे, जो जुग कुटी सिराई, एक पूरा 110वां पद है बीजक का, इसी पर ही तो है। सुर में मुनि और देवता सात द्वीप नव खंड कहे, कबीर सब भोगिया देह धरे को डन। साहब तो खुल करके कहते हैं। तो सदगुरु कबीर प्रबलता से पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं और कर्म फल भोग स्वीकार करते हैं। अनेक जगह बीजक में है, इतते उत उतते इधर रहो यम की सांड सवारी, जो 56वां शब्द है इसमें आया है ना, इतते उत उतते इधर रहो यम की सांड सवारी, यम की सांडनी पर बैठ करके, यम अज्ञान मनोवासना, इस यम रूपी सांड
पर बैठ करके सवारी करके तुम इतने उत उत्ते इत रहो, यहां से वहां वहां से वहां जा रहे हो, कौन है यहां से वहां? मान्यतर खाने से मनुष्य खाने, मानस खाने से मान्यतर खाने। और भी जगह जगह साहब ने कहा है समझने की आवश्यकता है। पुनर्जन्म पर साहब कितनी चर्चा करते हैं, इस विषय को समझना हो तो कबीर बीजक के रत्न में विस्तार से मैंने सारा जितना साहब ने पुनर्जन्म के बारे में कहा है एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। संदर्भ 57, बंध मोक्ष और ज्ञान से कर्मों का दग्ध, दग्ध जल जाना, नष्ट हो जाना। गीता में कहा गया है ज्ञानानि दग्ध कर्मानां तमाहो पंडितं बुधा। जो ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्मों को भस्म कर देता है पंडित जन, उसे ज्ञान तमाहु पंडितम बुधा, उसे ही पंडित कहना चाहिए। पंडित कौन, यह जाति बिरादरी से मतलब नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से जिन्होंने अपने कर्मों को दग्ध कर दिया, तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं। और कोई भी आदमी ऐसा पंडित हो सकता है, जिन्होंने ऐसा कर दिया वो पंडित। जाति बिरादरी मत मजहब से कोई मतलब नहीं है। साहब सदर कबीर भी मानते हैं कि बंध होता है, मोक्ष होता है, कर्मों का नाश होता है। सावधान होकर बैठो सब लोग, सिर ऊपर उठा करके। बंधने का कारण क्या है, क्यों बनता है जीव? बंधा तो है, क्यों बंधा है जीव? बंधने का कारण क्या है? साहब ने कहा है विषय स्वरूप भूली दुनियाई, विषयों को अपना स्वरूप मान करके दुनिया के लोग बंधे हुए हैं। विषयों में सुख है, ये हमारा स्वरूप है, जीवन को देश विषयों को उपभोग करना है। साहब कहते ये बंधन का कारण, लेकिन बंधवत बंधा छोरियो न जाई। आदमी बांध तो लेता है अपने को, छोड़ा नहीं पाता। जब तक आदमी बंधा नहीं रहता है तब तक समझता है कि बंधने में बड़ा आनंद, बड़ा सुख मिलेगा। बंधने के पश्चात जब सुख नहीं मिलता तब छोड़ना चाहता, लेकिन छूटना बड़ा मुश्किल होता है। वही उदाहरण समझो, अनेक बार कहा गया फिर याद दिला दे, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, पांडव पक्ष में चक्रव्यूह भेदना कोई नहीं जानता। अर्जुन को बहुत दूर भेज दिया गया था, अर्जुन ही जानता था अकेले, और अर्जुन को तो उलझा दिया गया था एक दूसरी जगह लड़ाई में, वहां से आना मुश्किल। अब पांडव घबरा गए कि यदि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है, यदि लड़ेंगे नहीं तो है नहीं तो वैसे हमारी हार हो जाएगी, लड़ते हैं तो उसमें उलझ करके मर जाना होगा सब उदास। तब अभिमन्यु ने कहा था कि मैं चक्रव्यूह में घुस सकता हूं, 6 दरवाजा तोड़ भी सकता हूं, 7वां दरवाजा नहीं तोड़ सकता, घुसना जानता हूं, निकलना नहीं आता मुझको। तो सब लोगों ने कहा था अरे तुम घुसना जानते हो, हम भी तुम्हारे साथ घुस जाएंगे, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आएंगे, 6 तुम तोड़ दोगे, 7वां हम लोग तोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या,
अभिमन्यु के अलावा चक्रव्यूह में कोई घुस नहीं सका। लोग कहते थे हम तुम्हारा साथ चलेंगे, हम तुम्हारा साथ चलेंगे, हम तुम्हारा साथ चलेंगे, कोई नहीं साथी बन सका, सब बाहर ही बाहर रह गए। अभिमन्यु घुस गए अकेले और अंत में उसी चक्रव्यूह में मार डाले गए, निकल नहीं पाए। ये पूरी दुनिया चक्रव्यूह है, घुसना हर आदमी जानता है, निकलना कोई नहीं जानता। और इस दुनिया रूपी चक्रव्यूह में घुसाने वाले बहुत मिलेंगे, निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम जाओ तुम्हारा काम धन, हम तुम्हें घुसा दिया बस। हमारा काम घुसाना है, हमारा काम फंसाना है, छुड़ाना और निकालना हमारा काम नहीं। दुनिया वाले यही कहते हैं, डांट कर घुसाएंगे, रो कर घुसाएंगे, रुंगाएंगे, गाकर घुसाएंगे, समझाकर घुसाएंगे, सब पर घुसाएंगे। और घुसा दिए तो तुम मरो चाहे जियो, ये तुम्हारी मर्जी। ऐसी ही है, आदमी स्वयं बंधता है। विषय स्वरूप भूली दुनिया ही, सदगुरु कबीर कहते हैं कि विषयों को अपना स्वरूप मान करके दुनिया के लोग भूले हैं, लेकिन बंधवत बंधा छोरी हो जाए, बांधने को तो बांध दिया अपने को, छोड़ाना बड़ा मुश्किल। कहाँ छोड़ा पा रहे हैं लोग, कहते हैं महाराज तो बंध गए, अब तो बस ऐसे बंधे रहना है। तो विषयों का मोह यही बंधन का कारण और कुछ नहीं है। इसको छोड़ दे, खत्म। और अनेक ढंग से आदमी बनता है, जहां जहां मन मोहित होता जाता है वहीं वहीं हम बनते चले जाते हैं, और बनने का कोई कारण है नहीं। लेकिन साहब कहते हैं छूटा तो जा सकता है, ऐसा नहीं है कि छूटने का कोई उपाय ही नहीं है, छूटने का उपाय है। उपाय ना होता तो नाना मत मजहब के संत गुरुजन हम लोगों को उपदेश क्यों देते, ज्ञान की बातें क्यों बताते, क्यों सत्संग संयम साधना की आवश्यकता पड़ती। छूट तो सकते हैं लेकिन कैसे, ये भी समझना होगा। छूटने का रास्ता साहब बताते हैं, साधु संगति खोज देखो, अपने साधु संगत में खोजो, साधु संगति में जाओ, वहां तुम्हें रास्ता मिलेगा। साधु संगति में अपने आप को और अपने बंधन को ठीक से परख लोगे तो तुम बंधन से बच जाओगे। जिन जिन लोगों ने साधु संगति में जाकर यथार्थ तत्व की खोज की, यथार्थ तत्व को समझा, अपने बंधनों को समझा, और समझने के बाद अपने को बचा लिया उससे, फिर वो बहुरी उलट समाए, फिर उलट करके बंधन में नहीं पड़ता। और कोई रास्ता नहीं है और उसको छोड़ दो तो और कोई फिर जगह नहीं है, ठौर ठिकाना नहीं है। साहब कहते इसलिए साधु संगति में जाओ और समझो। साधु संगति में जा करके जिन्होंने अपने आप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्हें भ्रम हिंडोला में झूलने की, बंधन में पड़ने की आवश्यकता खत्म। अब आवश्यकता नहीं, हो तो छूट गया। ये झूलबे को भय नहीं जो हो ये संत जान, कहे कहे सुकृत मिले तो बहुरी झूले यान। जो सुजान संत हैं, सुजान संत समझदार ज्ञानी तत्व को समझने वाला, साहब कहते हैं उनको झूलने का भय नहीं होता। सत और सुकृत जब मिल जाए, कहें कबीर सत सुकृत मिले बहुरी झूले यान, ये सत मिला और सुकृत मिला अब झूलेगा नहीं, ध्यान देने योग्य है। थोड़े साहब बता रहे हैं,
झुलने से, बंधन से कैसे हम बच सकते हैं, दो चीज हमें प्राप्त करना होगा, सत और सुकृत। केवल सत से काम नहीं चलेगा और केवल सुकृत से काम नहीं चलेगा। सत जो त्रिकाला बाधित हो, तीनों काल में रहने वाला एकरस और शाश्वत हो, अपरिवर्तित हो, वो कौन है? हर व्यक्ति का अपना आपा चेतन जीव, त्रिकाला बाधित अपरिवर्तित एकरस निर्विकार, जड़ भी सत्य है लेकिन एकरस नहीं है, निर्विकार नहीं, जड़ चलायमान है, विकारी है, परिवर्तनशील है। जड़ सत होते हुए भी परम सत नहीं है, परम सत प्रत्येक घट में बैठा हुआ जो चेतन जीव है वो है, उसका ज्ञान प्राप्त करना सत है। लेकिन मैं शुद्ध चेतन हूं, निर्मल निर्विकार हूं, इतने से काम नहीं बनेगा, सुकृत चाहिए। फिर सुकृत का अर्थ होता है अच्छी तरह से किया गया, अच्छी तरह से किया हुआ। सुकृत का अर्थ होता है पुण्य, और भी अर्थ है यहां, सुकृत का अर्थ है उज्ज्वल चरित्र, विषयासक्ति का त्याग, संयम। सब तो है लेकिन बाहर का आकर्षण मिटा नहीं है, लोभ मिटा नहीं है, आसक्ति मिटी नहीं, तो काम नहीं आएगा। सत के साथ सुकृत को हम समझ लें साधना, यथार्थ ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार से जीवन का आचरण हो, तब साहब कहते हैं बहुरियन झूले यान, फिर अब झुलना नहीं होगा। इस प्रकार साहब ये बताते हैं बंधन क्या है। बंधन का कारण है विषयों में सुख की प्रतीति, बंधनों को विषयों को अपना स्वरूप मानना। जहां जहां आकर्षक दिखाई पड़ रहा है वहां अपने आप को बेच देना, ये बंधन का कारण। छूटने का रास्ता सत और सुकृत, आत्मज्ञान और ज्ञान के अनुसार से जीवन का आचरण, ये होगा। सारे भी कहते हैं कि जिन बंधनों में तुम बंधे हुए हो वे बंधन नष्ट किए जा सकते हैं और वर्तमान में नष्ट किए जा सकते हैं, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, साहब ये बात नहीं कहते। कैसा प्रबल से प्रबल बंधन हो, वो बंधन आज ही काटे जा सकते हैं। साहब ने तो कहा अज्ञान दशा में किए गए जो कर्म होते हैं, विषयाशक्ति के बस जो कर्म किए जाते हैं, उनके संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, उनको भुगतना ही पड़ेगा। साहब ने हम पीछे देखा है, कहा कि आपन कर्म मिटो जाई, कर्म लिखा मिटे था कैसे, जो जो कोटि से आई चाहे करोड़ों युग बीत जाए, कर्म का फल भोग भोगना ही पड़ेगा। लेकिन साहब ये भी कहते हैं काटा जा सकता है, ये किनके लिए कहा जा रहा है? जिनके मन का भ्रम मिटा नहीं है, जिनके मन में भी दुनिया का आकर्षण है, मोह है, लोभ है, वासना है, उनके लिए कह रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने को इससे पूरा हटा लिए, लोभ मोह आकर्षण नहीं रह गया, वासना नहीं रह गई, साहब कहते वो आज ही कृतार्थ हो सकता है। तौ लो तारा जगमगे जौन लो उगे न सूर, तौ लो जीव कर्म में डोले जौन लो ज्ञान न पूर। तारे आकाश में तभी तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदित नहीं होता, सूर्य के उदित होते ही तारों का प्रकाश क्षीण हो जाता, दिखाई तारे दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे ही जीव कर्मों के वशीभूत होकर के तब तक भटकता रहता है जब तक
पूर्ण ज्ञान उदित नहीं हो जाता। पूर्ण ज्ञान उदित हुआ, भटकना खत्म। क्योंकि पूर्ण ज्ञान होने पर सारे कर्म संस्कार जल जाते हैं। पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है? अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और ज्ञान के अनुसार से पूर्ण वैराग, ये पूरा ज्ञान है। सही ज्ञान हो और सही वैराग हो तब कर्मों के संस्कार मिट जाते हैं। प्रश्न यह होता है कि मुक्ति जीते जी होगी या मरने के बाद? मरने के बाद मुक्ति होगी तो कोई प्रमाण नहीं। जो मर करके गया उन्होंने बताया नहीं कि मैं मुक्त हो गया, जो जीवित है उन्हें पता नहीं मुक्ति क्या होती है। बहुत सारे ऐसे मत हैं, सिद्धांत हैं धर्म क्षेत्र में जो जीवन मुक्ति नहीं मानते, मात्र विदेह मुक्ति मानते हैं। तो विदेह मुक्ति का प्रमाण क्या है? जीवन मुक्ति के आधार से ही विदेह मुक्ति को समझा जा सकता है। साहब कहते हैं ही मुक्ति होती है, जीते जीते जी मुक्ति होगी। हम चाहे जीवन पर्यंत जैसे भी कर्म करते रहें मुक्त नहीं हो सकते, मरने के बाद मुक्ति होगी, ये ऐसा नहीं है। साहब कहते जीते जी, जियत न तरे मुए का तरे हो जीते जो न तरे। यदि जीते जी तुम मुक्ति नहीं मुक्त नहीं हुए तो मरने पर क्या तरोगे? जीते जी उसका लक्षण है पूर्ण प्रशांत मन, आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट मन, कृतार्थ मन, पूर्ण निष्काम और अनासक्त दशा। सब इसलिए कहते हैं आज प्रयास करो, आज मुक्ति लो, और उसके लिए हर मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, कोई बाहरी बाधा नहीं है। बाधा आंतरिक है, मन का मुंह अज्ञान, उसको मिटा दिया। कोई भी हो सकता है, स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, लेकिन साहब ये कहते हैं मुक्ति पाने के लिए शरीर को तपाने की आवश्यकता नहीं, काया कष्ट की आवश्यकता नहीं है, यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है, वासना त्याग की आवश्यकता है। बहुत से लोग ये मानते हैं जितना भी पाप होता है, जितना भी गलत कर्म होते हैं शरीर द्वारा, शरीर से तो पाप हो, चोरी हत्या व्यभिचार डाकाजनी आगजनी कहते होता है, अन्य और शरीर से, तो शरीर से जब पाप होता है तो शरीर को हम जितना अधिक तपाएंगे गलाएंगे, शरीर को जितना अधिक पीड़ा देंगे उतना हमारा पाप करते चले जाएंगे। भ्रम है। अरे शरीर तो माध्यम है, पाप के मूल में है मन। जिस आदमी के मन में हिंसा की भावना नहीं होगी वो शरीर से किसी को मारेगा क्यों? जिस आदमी के मन में काम वासना नहीं होगी वो व्यभिचार बलात्कार क्यों करेगा? शरीर तो माध्यम है मात्र, और माध्यम को हम सता रहे हैं, माध्यम नहीं मन। वासना कहाँ टिकती है? शरीर से हमने कोई पाप किया, कोई गलत काम किया, किए हम अलग काम अलग, उसके संस्कार कहाँ टिके? शरीर में चिपका है कि अंतःकरण में चिपका है? मन में चिपका है।
जो कुछ हम करते हैं संस्कार हमारे मन में टिकते हैं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण भी कह देते हैं, वो तो प्रसंग होता है। और हम तपा रहे हैं शरीर को, सोच रहे हैं मन से गलत, और काया कष्ट और कष्ट दे रहे हैं शरीर को, तो इससे मुक्ति कैसे होगी? साहब कहते हैं काया कष्ट में मत पड़ो, शरीर को जलाओ मत, तपाओ मत, किन वासना का त्याग करो। शरीर को तपाने से दुख दूर नहीं होगा, वासना के त्याग से दुख दूर होगा। इधर साहब ने कहा कि चंदन वास निवारो तुझ कारण बन काटिया, जिया जीव बिन मारो मैं समय नहीं पा दिया। ऐ लोगों, तुम वास का निवारण करो, वास वासना। तेरे कल्याण के लिए मैंने भ्रम अंधविश्वास और वासनाओं के बन को काट दिया है, अब तुम्हें वासनाओं का त्याग करना होगा। बस वासनाओं का त्याग कर दो और संयम पूर्वक परहेज पूर्वक जीवन जियो। शरीर तपाने से क्या होगा? वासना का त्याग नहीं हुआ, समझदारी है नहीं, वैराग्य है नहीं, अनासक्ति है नहीं, अब जंगल चले गए शरीर को तपा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा? उनके लिए साहब ने व्यंग में कहा, गृह तजी के भय उदासी बनखंड तब को जाए, चोली था कि मारिया बेरे चुनी चुनी खाए। पिनक में आ गए, घर छोड़ दिए, बैरागी बन गए, बनखंड तब को जाए, जंगल में चले गए, कुटी बनाकर रहने लग गए। अब मुझे भगवान को पाना कुछ कोई मतलब नहीं है, दुनिया से केवल भगवान को पाना है। बैठे दो दिन चार दिन, दो दिन चार दिन तो आराम से बैठा जा सकता है, थोड़ी सी परेशानी होगी। दो चार दिन बैठे, अब भूख परेशान करने लगी, तब क्या कहते हैं, बेरे चुन चुन खाए, बेर जैसे साधारण फल भी चुन चुन करके खा रहे हैं। भूखे रहने से कल्याण होता तो जितने गरीब है सबका हो गया होता ना, तो बेचारों कितने गरीब है, दो दो तीन तीन तक खाने को नहीं मिलता उनको। मात्र नंगे रहने से मुक्ति मिलती तो जानवर तो जिंदगी भर कपड़े नहीं पहनते, जन्म से लेकर मृत्यु तक कपड़े पहनते नहीं है जानवर। जानवर को मुक्ति पहले में मिलनी चाहिए, पानी में डूबे रहने से मुक्ति मिली तो मछली मेंढक कछुआ इनकी मुक्ति पहले होना चाहिए। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं पानी में, एक आध दिन रह लिए, कोई भी आदमी 24 घंटा भी नहीं कहाँ खड़ा रहेगा। मछली मेंढक तो उसी में पैदा उसी में जी रहे हैं, उनकी मुक्ति पहले होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, न बाल रखाने से मुक्ति है और न बाल मुड़ाने से मुक्ति है। समय है, कोई बाल रखा लिया, कोई नहीं, कोई मुड़ा लिया, लेकिन न तो मुड़ाने में मुक्ति, न बाल रखाने में मुक्ति। साहब कहते हैं मूल मुड़ा से क्या होगा? मूल मुड़ाए हरि मिले सबको ले मुड़ाए, बार बार के मूर्ते भेड़ न बैकुंठ जाए। साहब कहते हैं मूल मुड़ाए से मुक्ति मिलेगी तो भेड़ को तो मुक्ति पहले हो जाइए। भेड़ तो पता है साल में कितने बार उसको मूल लिया जाता है, भेड़ की मुक्ति नहीं होगी। लेकिन अभी नहीं कहते साहब कि बार रखना चाहिए या मूल मुड़ाए का खंडन है, तो बार रखने का भी तो खंडन है। बाल के रखाए से कौन नर तर गए, मोर न तरे जाके लंबे लंबे पर हैं, ये भी साहब कह रहे हैं। मोर के देखो कितने लंबे लंबे पंख है, क्या मोर की मुक्ति हो जाती है? न बाल रखाना न बाल मुड़ाना,
ये बाहरी चिन्ह है। शरीर की जो उचित आवश्यकता है, भोजन और जल पानी उचित मात्रा में लेकर के विवेक विचार संयम साधना द्वारा मन की वासनाओं जलाना, फिर साहब ने कहा चंदन बात निवारो तुझ कारण बन काटिया, वासनाओं का निवारण करना है। शरीर को छोड़ने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? शरीर तो अंत में छूटना छूटना है, सबका शरीर छूटा है, उतले नहीं। तो काया सदगुरु कबीर के हिसाब से काया कष्ट करने का अति भोग और अति त्याग दोनों गलत, मध्यम मार्ग अनासक्ति पूर्वक निर्लोभ पूर्वक शरीर का निर्वाह, और निर्वाह लेते हुए सेवा करते हुए मन से आसक्ति कामना वासना का त्याग, बस ये है मुक्ति का रास्ता। वासना की डोरी कटी, बस स्वतंत्र मुक्त। मुक्ति कुछ और चीज थोड़े हैं, केवल बंधनों से छूट जाना है। तो उसके लिए विवेक विचार संयम साधना आत्मज्ञान की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं, और अंत में उन्होंने कहा, कहें कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। बंधनों से वही बच सकता है जिसके मन में किसी के लिए मोह नहीं रह जाता है। मोह में लोभ आएगा, आसक्ति आएगी, वासना आएगी, सब कुछ आ जाएगा। एक मोह का त्याग हुआ तो बस बंधन की निवृत्ति होगी। साहब कहते हैं मोह त्यागने के लिए काम करो, मोह ही तुमको भटका रहा है, शरीर को कष्ट मत दो, मोह का त्याग करो और स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके अपना में स्थित हो।